कंग्रेचुलेशन मैम आपके बाबुल मोरा सॉन्ग टू मिलियन कंप्लीट कर चुका है यूट्यूब पे आपको कैसा लग रहा है थैंक यू ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था um, बोले नैना uh, के बाद में ये हमारा दूसरा कोलेबरेटिव uh, एल्बम है विद दीपक पंडित जी और uh, दीपक जी और मैंने मिलकर वी ट्राई टू डू समथिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस और uh, सूफी स्कोर के साथ में ये दूसरा एल्बम है और इनहेरिटेंस का ये बाबुल मुरा फर्स्ट ट्रैक था आ, है जिसको इतना प्यार ऑलरेडी मिल चुका है बाबुल मुरा से आ, आ, मेरी बहुत पर्सनल यादें जुड़ी हुई हैं इसलिए वो मेरे दिल के बहुत करीब है आ, बाबुल मुरा में जो भी मैंने चीज़ें पहनी हैं या मैंने जो भी उसमें किया है इट इज़ एब्सोल्युटली रियल इसलिए मैं उस गाने से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ उस ठुमरी से आ, इसमें खुद की मेरी वेडिंग ड्रेस है जो मैंने पहनी है uh, मेरी मदर इन लॉ का मंगल सूत्र है जो मैंने पहना है और uh, मेरे पापा की फ़ोटो है उसमें मेरे पूरी फैमिली की फ़ोटो है मेरे भाई बहन मम्मी पापा सब हैं उसमें तो जब ये गाना शूट कर रहे थे तो हम बहुत ज़्यादा uh, मतलब uh, रवि यादव जी जो कि हमारे डायरेक्टर हैं uh, इस uh, बाबुल मोरा uh, के उन्हें ऐसा बोलना ही नहीं पड़ा कि यू नो यू हैव टू इमूट वेल यू हैव टू फील द सॉन्ग बिकॉज वो ऑलरेडी मुझे आई आई शूटिंग एंड जस्ट हेल्ड माई फादर्स पिक्चर इन माई हैंड्स उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी तो उन्होंने ये भी बोला कि इतना ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना है इट वॉज एप्सोल्यूटली हार्ट फेल्ट और मुझे लग रहा है कि वही जो रियल इमोशंस हैं वो शायद लोगों तक पहुंच रहे हैं okay. so, अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद दिन चल रहे हैं अभी कुछ दिनों पहले लता मंगेशकर दीदी जी नहीं रही अभी दो दिन पहले लहरी जी भी नहीं रहे आप इस पे क्या कहेंगे इस पर बहुत ही ज्यादा मतलब डेवस्टेटेड फील कर रही हूँ क्योंकि लता जी जैसा उनके लिए ऐसा कहते हैं ना ना भूतो ना भविष्यती ऐसे लोग पता नहीं अब दोबारा कभी इस मतलब इस धरती पे आएंगे या नहीं आएंगे शी वॉज दी वन एंड ओनली और अच्छा भी नहीं लगता ऐसे कहना कि शी वॉज यू नो इट डजेंट रियली फील गुड टू से दैट लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नाइन्टी नाइन परसेंट म्यूज़िक को दिया है वो हमारे लिए उनकी ब्लेसिंग्स छोड़ कर गई हैं वो हमारे लिए सो so, uh, वो अमर है हमारे बीच में वो कभी भी uh, नहीं जा सकती हमें छोड़कर शी इज़ ऑलवेज़ देयर इन आ हार्ट्स थ्रू हर म्यूज़िक एंड दा के बारे में क्या कहूँ जो कि ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट थे जिन्होंने इंडिया को डिस्को uh, से यू you नो know, रूबरू करवाया है उन डिस्को किंग कहा जाता था उनको आ, कहा जाता है <laughs> तो आ, पता नहीं ऐसे लोग फिर दोबारा कब आएंगे कब वो नया दौर लेकर कोई ऐसा नया एक बप्पी लहरी कब आएंगे और कब ऐसी लता मंगेशकर वापस देखने को मिलेंगी पता नहीं लेकिन फ़िलहाल उनका म्यूज़िक हमारे लिए ब्लेसिंग्स से कम नहीं है तो मेरी श्रद्धांजलि उन दोनों जिनको और आ, आई जस्ट होप कि उनकी आत्मा को भगवान खूब शांति दे प्रतिभा आप लता मंगेशकर को अपना आइडियल मानती थी तो श्रद्धांजलि के मौके पे एक दो लाइन उनकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि लता मंगेशकर जी को अपना आइडल कौन नहीं मानता होगा अगर वो म्यूजिक में है और अगर वो कहे कि लता जी उनकी इंस्पिरेशन कभी नहीं थी या आइडल नहीं थी तो मुझे लगता है ये गलत होगा ऐसा कहना शायद ही ऐसा बिरले ही कोई म्यूजिशियन होगा जो ये कहे कि लता मंगेशकर जिससे उन्हें इंस्पिरेशन नहीं मिली या वो उनकी आइडल नहीं थी बहरहाल मेरी तो वो पहली इंस्पिरेशन थी और मैं डेफ़िनेटली उनको अपना आइडल मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी <coughs> उनके बहुत सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं लेकिन आ, दिल के सारे गाने उनके मेरे दिल, दिल के बहुत, दिल 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 बहुत करीब हैं मैंने दिल उनके दिल बहुत सारे गाने आ, मुझे बहुत पसंद हैं उनमें से अगर एक चुनना हो तो बहुत मुश्किल होती है लेकिन फिर भी आपने एक गाना बोला है तो मैं गा देती हूँ ये गाना दुनिया का सबसे दुनिया में जो ये उनका एक गाना जो सबसे फेमस हुआ है लाइक द होल वर्ल्ड नोज दिस सॉन्ग तो मैं उस गाने को गाना चाहती हूँ रात हो न हो शायद फिर इस जन मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर हसीरात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुला आप आगे किस तरह के प्रोजेक्ट करना चाहेंगे पसंद करेंगे फिलहाल तो मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ इनहेरिटेंस के बारे में uh, कि इनहेरिटेंस से uh, uh, इनहेरिटेंस इज अबाउट फोर ट्रेडिशनल क्लासिकल ठुमरीज uh, जिन्हें रिवाइव किया गया है इनहेरिटेंस में और दीपक जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली कंसीव किए थे सारे आइडियाज किस ठुमरी को क्या अप्रोच देनी है and then he collaborated with uh, budapest symphony and uh, um, sufi score ne hame sari liberty di to do it the way we want the way an artist wants to uh, portray their music तो इस तरह से दीपक जी ने बहुत ही बढ़िया modern approach के साथ में but आ, उनके रागों को उन्होंने छेड़ा नहीं है और आ, बहुत ही खूबसूरत एक अरेंजमेंट किया है उन्होंने पूरे इस म्यूज़िक एल्बम का इसमें चार ठुमरीज़ हैं जिसमें से बाबुल मोरा एक आउट हो चुका है बाकी तीन ठुमरीज बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगी इसके बाद आने वाला है हमरी अटरिया पे जो कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा बेगम अख्तर जी से एंड रेखा भारद्वाज जी ने भी इसको गाया है और भी बहुत सारे लोगों ने गाया है लेकिन uh, हम इंस्पायर्ड हैं बेगम अख्तर जी की ठुमरी से तो ये हमारा दूसरा ट्रैक आने वाला है एंड देन थर्ड ठुमरी जो आएगी वो है सैया बिना घर सोना जो कि उस्ताद नजाकत अली सलामत अली खान साहब uh, की गाई हुई है और uh, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने गाई है बट वी हैव टेकन दिस फ्रॉम देयर वर्जन एंड द लास्ट ठुमरी दैट वी हैव ट्राइड टू डू That is लाखों के बोल और वो गुलाम अली साहब का वर्जन हम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको कुछ आ, और अपने हिसाब से कोशिश करें तो दीज आर ऑल द थुमरीज फ्रॉम इनहेरिटेंस जो कि आप थोड़े थोड़े दिन में आप देखने को मिलेंगी हालांकि के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगी इनहेरिटेंस की जो भी आप कुछ मिला और आगे एक सॉन्ग आएगा अच्छा लुक्स के बारे में हाँ थोड़ा सा क्योंकि बाबू मोरा में आपने बहुत अच्छा इन्हेरिटेंस uh, का मतलब ही है ये कि हम अपनी विरासत को साथ में लेकर चलना चाहते हैं इट इज़ कॉल्ड कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड तो जो हमारी इंडियननेस है जो हमारी विरासत है जो हमें मिली है विरासत में हमारी भारतीयता हमारा कल्चर मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि uh, मैं अपने कल्चर को बहुत uh, प्यार करती हूँ uh, जो हमारा इंडियन कल्चर है मैं, मुझे उससे बहुत प्यार है और मैं हमेशा ही uh, आज छोड़ दीजिए लेकिन आ, मैं हमेशा ही मुझे इंडियन आ, कल्चर बहुत मैं हमेशा ही इंडियन आ, ड्रेस में ज़्यादा दिखती हूँ मुझे सारी बेहद पसंद है तो पूरे एल्बम में हम लोगों ने एक इंडियन इंडियन ऑथेंटिक लुक आ, हमने रखा है एंड इसके साथ में सिंगिंग ऑथेंटिक है लेकिन उसकी अप्रोच जो है अरेंजमेंट की वो पूरी मॉडर्न है तो आपको थोड़ा कंट्रास्ट देखने को मिलेगा जैसे कि सयाह बिना घर सोना में एब्सल्यूटली uh, इंडियन तो नहीं कहेंगे कि uh, उसमें एकदम इंडियन अटायर नहीं है लेकिन इट इज़ समॉट इंडियन एनफ्यूजन ओके आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे फैंस को ये कहना चाहती हूँ कि अगर तो आप सिर्फ फ़ैन हैं तो, तो आप अच्छा म्यूजिक सुनते रहिए लेकिन अगर आप म्यूजिक में भी हैं तो म्यूज़िक के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो अपने बेसिक्स को ज़रूर जानिए म्यूज़िक सीखना बहुत ज़रूरी है रियाज करना बहुत ज़रूरी है तो अगर आप किसी भी फील्ड में प्रोफेशनली आना चाहते हैं या हैं तो उसके बेसिक्स को ज़रूर जानिए क्योंकि ये हमारा ये हमारी विरासत है ये हमारी यू नो हमें इनहेरिट हुई है हम हमारे लिए तो सबसे यही गुजारिश है हाथ जोड़ कर कि इनहेरिटेंस को बहुत सारा प्यार दीजिए जैसे कि बाबुल मुरा को आपने ऑलरेडी इतना प्यार दिया है आगे आने वाली तीन ठुमरीज़ को भी उतना ही प्यार चाहिए और अच्छा म्यूज़िक सुनते रहिए अच्छा म्यूज़िक करते रहिए थैंक यू